नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। मध्य प्रदेश में सावन महीने के पहले सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिरों में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हरियाणा में आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह में सुरक्षा बढ़ा दी गई। नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं आज 6 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित है। नूह जिले में तनाव, झुंझुलाहट, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और शांति भंग करने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों ने मुजफ्फरनगर में साइड लगने के बाद कार तोड़ी। आग लगाने का प्रयास किया गया। कार सवार शख्स को ढाबे के अंदर घुसकर पीटते हुए दिखाई दिए। ढाबे में भी तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने पहुंचकर माहौल को काबू में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामना देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए। दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी ने कल कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने दरवाजे खुले रखेंगे और किसी को भी पश्चिम बंगाल में आने देंगे। ममता जी वही व्यक्ति है जिन्होंने CAA के बारे में कहा था कि हम हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या ईसाई शरणार्थी को बंगाल में प्रवेश नहीं करने देंगे। ममता ने हमेशा CAA का विरोध किया है, जबकि CAA भारत का नागरिकों से कोई संबंध नहीं था, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। ममता जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान की बात करते रहते हैं। क्या आपको संविधान में अधिकार है? यह अधिकार भारत सरकार का है, यह शक्ति राज्य सरकार की नहीं है। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर शिवसेना UPT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पहले ED, CBI, IT सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहन कर काम कर रहे थे, अब खुलेआम बोल पाएंगे। कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे नौकरशाह जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए, अब वो अपनी विचारधारा को आगे रख काम करेंगे, ये शर्मनाक। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गुंडा में ग्राम रक्षा समिति के घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। राजौरी के गुंडा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे ये RSS BJP की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की उसको लेकर उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार का निर्णय। आज UPSC NTA की दुर्दशा इसलिए क्योंकि RSS के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। विदर्भ का पंढरपुर माने जाने वाले नागपुर जिले के स्वयंभू श्री विठल रुक्मिणी देवस्थान दापेवाड़ा में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। नीट मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहे कि वह इस वक्त क्या कर रहे हैं। नीट युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा, चूंकि यह नीट एक अव्यवस्थित मुद्दा है तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष के नेता का यह कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुख की बात यह है कि इन दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सेना आ रही है, लगभग 7,000 से अधिक जवान यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लाए। भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। वह तैयार नहीं, चाहे हम कितना भी चिल्लाएं, वे तैयार नहीं होंगे। गढ़चिरौली में भारी बारिश के कारण नदी नालों में बाढ़ आने से 37 सड़कें बंद हो गई। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। घोषित खुद बांध के 33 गेट खोल दिए गए हैं और भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की। अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का बयान सामने आया।
दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह बहुत अजीब है। आरएसएस का काम और सरकारी काम अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल तक इस नियम को नहीं बदला, फिर अब आप इसे क्यों बदल गए। सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे सबके लिए काम करें, पूरे देश के लिए काम करें, यह उचित सेवा के होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सरकार नहीं है तो आपको तटस्थ रहना चाहिए। शिमला में 3 नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ लेने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 27 फरवरी को जिस प्रकार का भाजपा ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था, खरीद फरोख्त की गई, उस राजनीति को जनता ने आईना दिखाया। हिमाचल की जनता ने कहा कि जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के पर्वों में बनाई जाती है उसे वोटों के दम से जो गिराने की कोशिश हुई उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए, आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार ने मांड्या जिले के केआरएस बांध का दौरा किया और जल भंडारण, अंतर्वाह, बहिर्वाह, बांध सुरक्षा, वृंदावन पार्क विकास और अन्य मुद्दों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ परामर्श किया। महाराष्ट्र में लगातार भारी वर्षा के बाद मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की। नीट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता धीरज कुमार सिंह ने कहा कि आज हमने एनटीए द्वारा जारी किए गए डेटा को प्रदर्शित किया है, हमने दिखाया है कि सीकर के कुछ केंद्रों ने पूरे देश के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया, हमने यह भी दिखाया कि कैसे गुजरात के एक लड़के ने कर्नाटक के बेलगाम केंद्र को चुना और नीट को उसका स्कोर 705 है, हालांकि वो कक्षा 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई है। कोर्ट ने हमें निर्देश दिए है कि कृपया सबूत दिखाएं क्योंकि हम एक को एनटीए द्वारा जारी किए गए डेटा से जोड़ें। पिछले 24 घंटों में भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर, अमरनाथ और थाने जिलों के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण तालुबांध, उल्लास नदी और कामवान नदी के पास के निवासियों को सतर्कता की चेतावनी दी गई। गाजियाबाद में रविवार देर रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में दौड़ रही एक आल्टो कार ने स्कूटी सवार माँ बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल माँ बेटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश नहीं मिला है, लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा और उसकी जवाब सुनिश्चित करेगा। नेट मामले पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण समय है। आज लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, जब पेपर लीक होता है तो छात्र बेहद आहत होता है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्यों करती है और लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रही है। आज शिक्षा मंत्री का जवाब सुनकर युवा आज़र होगा, हम इस बयान की निंदा करते हैं। देश में दो आईपीएल चल रहे हैं, एक इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरा इंडियन पेपर लीग। कावड़ यात्रा में नाम पट्टिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएमसी सांसद और याचिकाकर्ता महुआ मोहित्रा ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने कल याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ एक पूरी तरह से असंवैधानिक आदेश है, इस आदेश पर रोक है और मालिकों और कर्मचारियों की पहचान और नाम प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं, दुकानों में केवल शाकाहारी मांसाहारी चिन्ह लगाया जाना है। नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने सारे बच्चे पास हो गए। केंद्र सरकार ने सदन के अंदर कहा था कि साल 2022 से देश के सभी घरों में पानी पहुंचा दिया जाएगा, इसके बाद साल 2023 में सदन में जल मंत्री ने बताया था कि केवल 52% घरों तक ही पानी पहुंच पाया था, अभी भी ग्रामीण इलाकों के आधे हिस्से में पानी नहीं पहुंचा है, सरकार इससे निपट रही है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह के पहले सोमवार के अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ पहुंचे शिव भक्तों और कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। महानिसेवन में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए महानिसेवन। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहां आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइन डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बेनिफिट हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुर दास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर खरबी रिंग रोड नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयमंत नगर नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालू, कांचीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर शताब्दी चौक बेलत रोडी नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी से एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स,
बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वेराइटी उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर मानीवाड़ा नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA Skills प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर 4400012। संपर्क करें 9226466779।